प्रधानमंत्री आवास पर कोरोना को लेकर अहम बैठक हुई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि मौजूद रहे हैं। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया बैठक में मौजूद रहे सीडीएस बिपिन रावत भी बैठक में शामिल हुए। लॉकडाउन को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक ली है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए हैं। बड़े फैसले की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर कोरोना को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई है। उच्च स्तरीय बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक आयोजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक ली है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर देश के हालातों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रीत किरण सिंह। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? लगातार देश में कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हाई लेवल मीटिंग है जिसमें रेल मंत्री को शामिल किया गया है। आज सुबह जो हैदराबाद से हटिया झारखंड के लिए जो ट्रेन रवाना की गई, उसके आगे के चरण में इस पर चर्चा होगी कि बाकी राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाए। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिखा है पत्र कि वहां पे जो मजदूर फंसे हैं उनको निकाला जाए। कोटा से रांची के लिए आज शाम को एक ट्रेन चलाने को लेके एक फैसला हो सकता है इस मीटिंग में। आगे कहाँ कहाँ पे नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, एक मुख्य वजह तो इस बैठक में ये चर्चा की जा रही है। साथ में आर्थिक मुद्दे पे चर्चा की जाएगी कि आगे लॉकडाउन को अगर हटाना है तो आर्थिक मुद्दे पे क्या कुछ रणनीति बनानी होगी, किन इंडस्ट्रीज को छूट देनी होगी, किन मजदूरों को काम करने की छूट देनी होगी, किस सेक्टर में काम किया जाएगा, और वो ग्रीन जोन है जहाँ पर अभी तक कोरोना नहीं फैला है उनसे किस तरीके से उनको कामकाज के लिए, उनको बाकी की चीजों के लिए, गतिविधियों के लिए किस तरीके की अनुमति दी जाए, इस बैठक में ये चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल। साथ ही लगातार देश में अगर बात करें तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है, और बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज स्वस्थ भी हो चुका है। जी बिल्कुल, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से मरीज स्वस्थ हो चुका, और आगे खुद दिल्ली सरकार ने जो लोग ठीक हो गए हैं, लगभग 1100 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा था और वो लोग तैयार हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को जब अनुमति मिल चुकी है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने के लिए, तो बाकी स्टेट्स में भी ये जो डोनेट करके जो प्लाज्मा हासिल किए जाएंगे उनको बाकी स्टेट्स को भी दिए जाएंगे ताकि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाए। लगभग 10 से 12 पेशेंट ऐसे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब जो क्रिटिकल कोरोना स्टेज से उससे बाहर आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में प्लाज्मा को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में प्लाज्मा से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, इसके बाद 1100 मरीजों से संपर्क किया जा रहा है, अधिकांश मरीज प्लाज्मा देने को तैयार है।